नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल एस्ट्रोलॉजर नरेश। आज का वीडियो है डेली वैदिक हॉरोस्कोप के बारे में। आज तारीख है 20 फरवरी शुक्रवार, नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, रात को 12:33 तक और चंद्र राशि कुंभ है शाम को 7:14 तक, उसके बाद चंद्र राशि रहेगी मीन। आइए जानते हैं आज के वीडियो में राशि चक्र की प्रत्येक राशि के लिए आज का दिन कैसा है इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के लिए, जो राशि चक्र की प्रथम राशि है। मेष के लिए जो चंद्र है वो आज 11वें स्थान में है शाम को 7:14 तक, उसके बाद उसका जो चंद्र है राशि का वो 12वां चंद्र होता है। तो 11वां चंद्र जो है आपके लिए बहुत शुभ है, लेकिन 12वें चंद्र में थोड़ा सा विचारों में डिस्टर्बेंस आ सकता है, द्विधा आ सकती है। तो कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना हो तो शाम को 7 के बाद लेना उचित नहीं रहेगा। राशि चक्र की जो दूसरी राशि वृषभ राशि है, वृषभ को जो चंद्र है वो 10वें एवं 11वें स्थान में है, तो बिजनेस में लाभ रहेगा, पिता से लाभ रहेगा, मित्रों से लाभ रहेगा। मिथुन राशि के लिए चंद्र जो है वो 9वां एवं 10वां है, तो छोटी यात्रा से लाभ रहेगा, बिजनेस में सक्सेस तरक्की रहेगी। कर्क राशि के लिए जो चंद्र है वो आज के 8वें एवं 9वें चंद्र है, तो 8वें चंद्र शाम को 7:14 तक है, तो अनजाने पानी से सावधान रहना है और विकल द्रव्य में क्या करना है। और शाम को 7:15 के बाद आप भाग्य वृद्धि का महसूस कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए जो चंद्र है आज 7वें एवं 8वें स्थान में है, तो 7वें चंद्र जो है वो शुभ माने जाएंगे, लेकिन 8वें चंद्र जो है वो शाम को 7:14 के बाद चालू होते हैं, तो उनके अंदर खास करके आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है और कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। राशि चक्र की छठवीं राशि कन्या राशि है, तो कन्या राशि के लिए चंद्र 6वें एवं 7वें स्थान में है, तो रोग शत्रु पर विजय देने वाले हैं और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा टेंशन उग्रता हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मंगल भी यहां पर चल रहे हैं। तुला राशि के लिए जो चंद्र है वो 5वें एवं 6वें स्थान में है, जो संतानों की प्रगति कराने वाले हैं, मित्रों से लाभ रहेगा और रोग एवं शत्रु पर आपको विजय देने वाले हैं। वृश्चिक राशि को जो चंद्र है वो चतुर्थ एवं 5वें स्थान में है, तो शाम को 7:14 तक थोड़ा सा टेंशन महसूस करेंगे, उसके बाद आपके लिए सिचुएशन सूट बनती है। धन राशि के लिए जो चंद्र है वो 3रा एवं 4था बनता है, 3रा चंद्र शाम को 7:14 तक है, जो आपके लिए शुभ है, लेकिन उसके बाद चतुर्थ चंद्र बनते हैं जो आपको थोड़ा सा टेंशन देने वाले हैं, खास करके रिलेशनशिप में माता एवं पिता के साथ टेंशन उग्रता ना हो जाए उसका केयर करना है। और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल से टेंशन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए उसका भी केयर करना है। मकर राशि के लिए चंद्र 2रा एवं 3रा है, जो आपके लिए शुभ है, साहस से आपको लाभ करवाने वाले हैं। कुंभ राशि के लिए चंद्र आपकी राशि में से निकल के दूसरी राशि में जाने वाले हैं, धनस्थान में जाने वाले हैं, जो आपको धन संपत्ति में वृद्धि कराने वाले हैं। और मीन राशि के लिए जो चंद्र है वो 12वें स्थान से अपनी राशि में आ रहे हैं, जिसके कारण आपका धार्मिक यात्रा प्रवास में खर्च, ट्रैवलिंग में खर्च हो सकता है। आज का लकी कलर पीला है और घर से आपको चना खा के निकलना है। ऐसे ही देखते रहिए डेली वैदिक हॉरोस्कोप हमारे चैनल पर, कमेंट्स करिए चैनल पर, कमेंट्स करिए वीडियो पर, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।